द कॉन्टेंट ऑफ दिस पर्सनल इंटरप्रेस एनैफ मूवीन अब्लाटफॉर्स एंड कॉन्ट वाई मेल थैंक यू दोस्तों अगर एक सैनिक कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता या तो वो झूठ बोल रहा है नहीं तो वो गोरखा है ये बात तो आप लोगों ने सुना ही होगा पर यह बात जो पहली बार कहे थे वो और कोई नहीं वो थे सर सैम मानिक शाह बिकी कौशल के बेहतरीन एक्टिंग के साथ सैम मानिक शाह की एक बायोग्राफी ये आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में मुझे पता नहीं एनिमल के साथ रिलीज करना सही था या गलत बॉक्स ऑफिस में ये कितना पैसा कमाएगा पर यह मूवी आपको जरूर देखना चाहिए तो हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे मिक्स एंड मैच रहेगा थोड़ा रिव्यू थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको भी पता चलना चाहिए कि कि मानिक मानिक थे कौन मूवी के शुरुआत में हम को देखते हैं जो हमारे देश के फर्स्ट ऑफिसर थे फाइव स्टार फील्ड मार्शल जिनका किरदार विकी कौशल निभा रहा है फिर हमको एक पार्टी दिखाया जाता है जहां पर फर्स्ट टाइम उन्होंने अपनी वाइफ से मुलाकात किया था बाद में वो उनसे शादी कर लेते हैं और वो बन जाते हैं उनकी वाइफ सिल्लो मानिक शाह फिर हमको मानिक शॉ के इनिशियल डेज दिखाए जाते हैं जब वो आर्मी में थे उनको पनिशमेंट में मिलता था तो वो खुशी से अपना लेते थे वो कभी थकते नहीं थे बॉक्सिंग वगैरह में भी वो बहुत ही शार्प थे और उनकी दिमाग की क्या दे बहुत ही शार्प था मानिक शॉ के जन्म पंजाब में हुआ था उनके पेरेंट्स पारसी थे सह मानिक शॉ ने 40 साल में पांच बड़े वर्ल्ड लड़े थे उनमें से है वर्ल्ड वॉर टू इंडियन पार्टीशन वर्ड सिनो इंडियन वर्ड इंडिया पाकिस्तान वर्ड एंड इंडिया ईस्ट पाकिस्तान वर्ड मानिक जी को मिलिट्री क्रॉस अवार्ड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण भी मिला था पर उनको भारत रत्न तो नहीं मिला यह बहुत ही गलत है उनके साथ मुझे लगता है कि भारत रत्न तो भी उनको मिलना चाहिए था मूवी में हम आगे ये भी देखते हैं वर्ल्ड वॉर टू के दौरान उनको नौ गोलियां भी लगे थे बैटल में फिर भी वो झुके नहीं थे वो हंस रहे थे और जब हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तभी डेविड क्राउन आते हैं और क्रॉस अवार्ड तब उनको दिया जाता है तब वो ब्रिटिश के लिए युद्ध लड़ रहे थे उन्नीस में भी वो बेखौफ होकर लड़े और अपने आर्मी ट्रूफ को लेके उन्होंने पाकिस्तान को मानो आधा कर दिया था बांग्लादेश को बाहर निकाल दिए थे ईस्ट पाकिस्तान से विकी कौशल की बेहतरीन एक्टिंग एंड मानो उसके अंदर मानिक शाह दिख रहे थे अब गूगल करोगे असली मानिक शाव जी की फोटो और विकी कौशल में आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा मेघना गुलजार जो कि इससे पहले राजी जैसी बेहतरीन मूवी दे चुकी है उनसे आप इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने मानिक शाह जी की किरदार को अच्छी तरीके से पर्दे पे उतारा है बिकी कौशल की बॉडी लैंग्वेज बात करने का तरीका एटीट्यूड एकदम सटीक था और मूवी में हमको ये भी दिखाया जाता है कि इंडो चाइना वॉर के टाइम इनके ऊपर एक इंक्वायरी भी बैठा था जहाँ पर उनके ऊपर ये इंतजाम था कि वो एंटरनेशनल है क्योंकि जंग खत्म हुए बहुत टाइम हो चुके हैं और ब्रिटिश अपने घर लौट चुके हैं तो क्यों सैम के ऑफिस में ब्रिटिश ऑफिसर्स की फोटो वगैरह है इस बारे में जब इंक्वायरी में पूछा गया सैम बताते हैं वो ऑफिसर्स है कोई नेता नहीं मैं उधर कोई नेता का फोटो नहीं लगा सकता कि ये भी बोला जाता है तुम कभी वर्क फोर्स के लिए तुम्हारे सोल्जर्स क्यों नहीं भेजते बहुत सारा काम होता है तब मानिक शाह बोलते हैं हमारे ये सोल्जर्स है कोई मिस्त्री नहीं कि आप कभी भी बुलाए हम उनको भेज दे तभी इंडो चाइना वॉर के टाइम हमारे देश के हालत बहुत ही खराब थे हमारे जवान मर रहे थे तभी नेहरू ने हमारे मानिक शाह जी को बुलाया था और बोला था तुम ही नेतृत्व दोगे हमारे आर्मी ट्रुप को तो उनके ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस एंड इंक्वायरी को तब हटाया जाता है तब तक देश की हालत बहुत खराब हो चुका था पर फिर भी मानिक शाह जाके उधर डोर संभालते हैं एंड जो सोल्जर्स थे और उनके मन में हिम्मत भरते हैं मूवी में आपको ये भी देखने को मिलेगा एक सीन है जहाँ पर बिकी कौशल थे वो बहुत ही अच्छे एक्टिंग करते हैं मतलब जो डायलॉग डिलीवरी था वो बहुत ही ऑसम था नेहरू जी के जाने के बाद हम इंदिरा गांधी जी को देखते तखते पे जहाँ पर उनके बाकी मिनिस्टर्स बोल रहे थे कि मानिक शॉप धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो रहा है क्योंकि मानिक शाह जी के पॉपुलरिटी धीरे धीरे बढ़ रहे थे वो इंदो पाकिस्तान के जंग पे और भी ज्यादा चर्चे पे आने लगा उनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिले जा रहा था और वो हायर ऑथोरिटी पे जाया जा रहा था तो सारे लोग बोल रहे थे कि ये तख्ता ना पलट दे क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान में ऐसा होता है सेना नायक सेना जवान पाकिस्तान को पलट देते हैं मतलब जो हाई अथॉरिटी में होता है सेना पे तो इंदिरा गांधी को भी लगने लगा कि मानिक शाह भी तख्ता पलट सकता है फिर हम देखते हैं बिकी कौशल को बुलाया जाता है मतलब मानिक शाह जी को बुलाया जाता है और उनको पूछा जाता है कि मैं सुन रहा हूँ कि तुम तख्ता पलट सकते हो तुम क्या पाकिस्तानियों की तरह सोच रहे हो ये देश का प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ तब तो मानिक शाह जी बोलते हैं आपको क्या लगता है आप लोगों पे विश्वास करोगे ये मुझ पे तब तो प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं मुझे तुम पे पूरा भरोसा है मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे तब तो मानिक शाह जी बोलते हैं ये नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा पर मैं करना नहीं चाहता नियत पे फर्क है हम दोनों का सबसे अच्छा तो यही रहेगा मैं मेरे ड्यूटी पे फोकस करता हूँ राजनीति पे आप अपने को किस करिए मैं अपने स्वीट को ये बात सिर्फ मानिक शाह जी ही कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ वो प्राइम मिनिस्टर जी को स्वीट हार्ट वगैरह भी बुलाते थे इस सारी बातों को लेके थोड़ा चर्चा भी हुआ था कुछ बुक्स वगैरह में भी इन सारी चीजों का जिक्र है मूवी में आपको ये भी दिखाया जाएगा पार्लियामेंट का एक सीन था जहाँ पर बांग्लादेश मतलब 1970 सेवेंटी वार को लेकर डिस्कस चल रहा था यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत रिफ्यूजी अंदर आ रहे थे और मानिक शाह को बोला जाता है कि उतना कैपेसिटी नहीं है हमारा देश का आसाम में तो भी इंडियन से ज्यादा बांग्लादेशी रहने लगे तुम उधर जाओ उनको धकेल के बाहर कर दो तब तो मानिक शाह बोलते है इसके लिए क्या आप तैयार हो अगर हम ये करते हैं तो जंग शुरू हो जाएगी और आप बोल रहे हो पूरे देश की सेना को इकट्ठा करके हम शिफ्ट कर दे नॉर्थ ईस्ट में ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मौका मिलते ही चाइना अटैक कर सकता है और मानसून के टाइम तो आसाम में तो बहुत भारी बारिश भी होता है मतलब फ्लड आता है तब बहुत जवान भी मारे जाएंगे और सिप के हम सड़कों पर लड़ेंगे और भरी पार्लियामेंट के अंदर मानिक शौजी ने मना कर दिया था कि वो ये स्टेप नहीं लेंगे और बोलते हैं इससे अच्छा आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लीजिए चालीस सालों में टोटल पांच बड़े वर्ड लड़ने के बाद भी मानिक शाह जी रहे 27 जून 2008 एक ऐसा साल था और मानो एक काला दिन था जहां पर मानिक शाह जी हम सबको छोड़ के चले गए 94 के उम्र में तमिलनाडु के विलिंगटन हॉस्पिटल में उन्होंने अपना दम तोड़ा था भाई एक मूवी डायरेक्ट करने में उसको बनाने में बहुत ही मेहनत जाता है उसके पीछे का बैक स्टोरी देखना एक एक्टर एक कितना मेहनत करता है वो देखने के लिए प्रोडक्शन हाउस एक बैक स्टोरी भी पोस्ट करती है लाइक एक्टर कैसे तैयार होता है कैसे उन्होंने अपना जर्नी कम्पलीट किया कैसे टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सब कुछ दिखाया जाता है और आपको ये फ्री में यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा बिकी कौशल ने कितना मेहनत किया मेघना गुलजार ने खुद इंटरव्यू दे के बोला है कि बिकी कौशल ने अपना थाउजेंड परसेंट दे दिया इस मूवी में इस मूवी को प्रिपेयर करने के टाइम बोला गया था कि इस मूवी में आपको वायलेंस दिखेगा सिर्फ आधा घंटा बाकी स्टोरी पे फोकस कर दिया जाएगा क्योंकि जिन कैरेक्टर के ऊपर ये बायोग्राफी बन रहा है वो लार्जेंडन लाइफ है उनके बारे में और जानने को आप लोगों को मिलेगा इस मूवी के अंदर अब छोटे छोटे डिटेल नोटिस करेंगे जहाँ पर कोई भी कंजूसी नहीं करा गया है जैसे इंदिरा गांधी का रोल फातिमा सना शेख ने बहुत बखूबी निभाया है सानिया मल्होत्रा ने भी बहुत अच्छा काम किया है मानिक शॉ के वाइफ के रोल पे वो बिल्कुल फिट लग रही थी और बिकी कौशल का हम क्या ही बोले बंदा कोई भी रोल पे फिट हो जाता है पहले बंदे ने वो किया जो कि सुपर डुपर हिट था वो एक पेट्रोटिक मूवी था पर बंदे ने मानो जोश फूक दिया था उस मूवी के अंदर सेम एज इट इज सेम मानिक शो में भी बंदे की क्रेडिबिलिटी एंड एक्टिंग परफॉर्मेंस पे तो कोई बात नहीं हो सकता पर मैं ये बोल सकता हूँ कि एक दिसंबर को एनिमल के ऑपोजिट में यह रिलीज करना प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए उतना बेनिफिशियल शायद नहीं होगा क्योंकि तो एनिमल का क्रेज आप सबको पता है बाकी आपके ऊपर है आप कौन सी मूवी को देखे कौन सी मूवी को ना देखे मैं तो जरूर बोलूंगा वन टाइम वॉच जरूर करे शैम बहादुर को मुझे तो ये मूवी बहुत ही पसंद आया और हमारे आने वाले जनरेशन को ये मूवी जरूर देखना चाहिए सो so इतना ही था मूवी का एक्सप्लेनेशन प्लस रिव्यू और मूवी के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है हमारी तरफ से एक फ्री सर्विस और है जहाँ पर टोटल सात हज़ार मेम्बर अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं आप उधर से बहुत अच्छी तरीके से आपके शॉपिंग्स वगैरह को मैनेज कर सकते हो और बहुत ही पैसे बचा सकते हो कमेंट सेक्शन के एंड पिन कमेंट के लिंक से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो वो हमारा ही है हम कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रहे हैं ये हमारा ही प्रोडक्ट है आप बेझिझक होकर हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा जहाँ पर आप समझ जाओगे क्या हम क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं तब तक के लिए बु बाय एंड सिया ऑनलाइन hey शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली फोर 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 रूपीज में बुक किया है इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन स्मार्ट, स्मार्ट वॉच टीवी शूज क्लोथ बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है वो हम आपको बताएंगे सो so, ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए रजिस्टर करने के बाद सर्च करे सेव पैसा देन ये रहा ग्रुप अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रेप करने के लिए ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं तो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैप करें